हाँ भाई, क्या हाल? और कमलेश चुप कर। हाँ तो भाई, क्या हाल? कमलेश चुप कर जा। हाँ तो मैं कह रहा था, कमलेश तू बोल ले बोल ले। कहाँ कौन है, कहाँ से आया तू? बोली जा रहा है। भोपाल कैसे आया वहां से? डुन पक्के डुन 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 डुन। ये कमरे का क्या हाल किया हुआ है? ये सब कुछ मैं बताता हूँ कि ये हाल क्या किया हुआ है और क्यों किया हुआ है। रुको। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? फिट हो? फिट हो? फिट हो? अच्छा भाई, आज जो है ना, आज मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, आज करूँगा सिर्फ बातें। तो मेरी बातें अगर तो बर्दाश्त हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा कोई आपके लिए और कुछ बना देंगे दोबारा से। हाँ तो कमरे का हाल मैंने क्या किया हुआ है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। मैंने आज से तकरीबन 2 महीने पहले अपना पहला व्लॉग बनाया था, और वीडियोस जो है शायद 3 महीने पहले से बना रहा हूँ। तो मुझे जो है, मैंने पहले भी अक्सर काफ़ी दफ़ा पहले भी बताया कि मुझे कोई मतलब ना इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। मुझे कोई एडोब शेडोब चलाने का कुछ नहीं पता था, वीडियो एडिटिंग का कुछ नहीं पता था, ब्लॉगिंग क्या होती है कुछ नहीं पता था, किसी भी बारे में पंगे ले लेके सीखा जो भी सीखा सारा कुछ। तो अभी कुछ दिन पहले मुझे एक जिम वालों ने कहा कि आप हमारे लिए टीवी एड बना दो। टीवी एड मैं बनाऊं? सच्ची मुच्ची? खैर, अल्लाह का शुक्र है कि उन लोगों को मुझे मेरा काम पसंद आया, मेरी वीडियोस अच्छी लगी, तो ही उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे लिए टीवी ऐड बना दो। मतलब कि अपनी किसी ब्रांड की ऐड जो है वो टीवी पे चलाना, ये एक बड़ी सोच समझ के ये सब कुछ करना पड़ता है, ये चीज़ें जो हैं। तो उन्होंने मुझे मतलब इस काबिल समझा कि मेरी वीडियो इतनी अच्छी बन सकती है, उन्हें लगता है कि वो अपने जो है वो उसका प्रमोशन के लिए उसे टीवी पे ऐड चलाएंगे वो मैं मुझसे बनवा के। तो मेरे लिए तो इतनी बड़ी बात है। हाँ तो ये सारा सामान जो है, ये टीवी ऐड शूट करने के बाद इसी तरह बिखरा पड़ा है। जो जो भी मैं सामान लेके गया था वो आके मैंने एडिट भी कर दिया, टीवी ऐड जो बनाई है मेरे ख्याल में बस नॉर्मल ही है, इतनी कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं है, कोई बहुत खास भी नहीं है, लेकिन ठीक है। हाँ मेन बात थी कि जिनके लिए बनाई थी उन्हें पसंद आनी थी, उन्हें पसंद आ गई, उन्हें मैंने बना के दिखा भी दी, और आपको भी दिखा दो, देख लो भाई। ये छोटा सा पार्ट था उसका, पूरी नहीं इस तरह दिखाने लगा मैं, ठीक है ना? जो लाहौर में रहते हैं उन्हें पूरी टीवी पे नज़र आ जाएगी, और वैसे मैं भी अपलोड कर दूंगा तब देख लेना। अच्छा, मैंने पिछले दिनों स्नैपचैट पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप स्टोरी पे और अपने जो फेसबुक प्रोफाइल है मेरी उस पर मैंने बताया था कि एक मोस्ट अवेटेड जो व्लॉग हैवी बाइक्स का, जो भी हैवी बाइक के शौकीन हैं सुपर बाइक्स के, उनके लिए एक बड़ा अच्छा व्लॉग आ रहा है। तो वो ब्लॉग जो है, हम लास्ट जो ये संडे था, वो लास्ट संडे को हम शूट कर रहे थे, वो ब्लॉग मैं शूट कर रहा था। तो उस दिन जब हम टॉर्क मोटर स्पोर्ट से ट्रैक पे जा रहे थे, तो ट्रैक पे जाते जाते रास्ते में एक बाइक एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से ये पूरा जो ब्लॉग वो भी रुक गया, वरना अभी तक ये ब्लॉग आ चुका होता। खैर, उस दिन वो एक्सीडेंट हुआ, और वो हुआ किस वजह से ये भी मैं बताता हूँ। हम लोग जब
डिफेंस वो ट्रैक के ट्रैक के लिए जा रहे थे, ट्रैक कहाँ पे होता है, क्या होता है, बाइक्स का क्या सीन है, हैवी बाइक के जो भी शौकीन है ना, हैवी बाइक के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो इस वाले ब्लॉग का इंतज़ार कर लेना। ये जो ये ब्लॉग है इससे अगला या फिर उससे अगला होगा, क्योंकि मैं बताता हूँ हम लोग जब ट्रैक पर जा रहे थे तो रास्ते में बाइक का एक्सीडेंट हो गया था इस तरह से कि एक लड़की जो है वो गाड़ी सीख रही थी, मेहरान थी उनके पास और साथ उसके दो भाई थे, उसकी अम्मी थी और वो खुद थी, गाड़ी सीख रहे थे और उसके पास कोई लर्नर नहीं था, लाइसेंस नहीं था, कुछ नहीं था। और गाड़ी सीखते सीखते मेन रोड के ऊपर, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर उसने गाड़ी को झटका लगा के जैसे भी बंद कर दिया और वहीं पे वो खड़ी जो सेल्फ लगाई जा रही थी बार बार कि गाड़ी स्टार्ट हो। खैर मतलब पीछे से बाइक की स्पीड कोई मैक्सिमम 35 थी, तो वो बाइक आके एकदम यार मेन रोड पे नहीं पता लगता कि अगर कोई गाड़ी रुकी हो, क्योंकि वैमो गुमान में भी नहीं होता कि मेन रोड पे गाड़ी रुक सकती है। तो वो गाड़ी रुकी हुई थी, उसमें बाइक लगा, बाइक गिरा और उसमें वो काफ़ी नुकसान हुआ उस बाइक का। तो ऊपर से वो गाड़ी वालों ने उन्होंने जल्दी ये देखा कि ये बाइक लगा है, एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने जल्दी जल्दी लड़की उतर के साइड वाली सीट पर चली गई और उसका भाई उतर के ड्राइविंग सीट पर आ गया कि लड़की तो चला ही नहीं रही थी। खैर सारे जो बाइकर्स थे मतलब उन लोगों ने हमने बहुत कोशिश की कि ना उन्हें मना सकें कि ये नुकसान हैवी बाइक की बहुत ही सेंसिटिव सी चीज़ है और इसके पार्ट्स वगैरह सब कुछ महंगा ही होता है, तो काफ़ी कोशिश की कि वो लोग जो है ना अपनी गलती मान लें, लेकिन उन्होंने 1% भी गलती नहीं मानी। और ऊपर से वो जो है ना वो आगे से कह रहे थे कि आप लोग 300 की स्पीड पे बाइक चला रहे हो, आप ऐसे वैसे, यार जो यहाँ की जैसी रोड्स है ना 300 पे 250 पे इतनी स्पीड पे नहीं चलता बाइक। तो ये इस तरह के जो लोग अपने जहन में रखते हैं कि ये बाइकर्स जो हैं ये बड़े उड़ते जा रहे होते हैं, इस तरह नहीं होता। इन्होंने अपना मतलब कि यार मैं जो व्लॉग आ रहा है ना बाइक्स वाला उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन है अच्छी तरह से, तो अब वो अभी आधा शूट हुआ, आधा जो है इस संडे को इंशाल्लाह हो जाएगा और उसके बाद वो रिलीज़ करेगा आपका भाई। खैर वो व्लॉग है भी सबसे अच्छा मेरा व्लॉग जो होगा जिस पे मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ वो है, तो उसको वो लाजमी देखना, उसमें सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। तो ये जो भी लोग इस तरह ये मतलब कि बगैर लर्नर वगैरह के इतनी मेन रोड पर आके गाड़ियाँ चला रहे होते हैं तो उनको भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए और अपनी गलती मान लेनी चाहिए आगे से। सीन देखना उस ब्लॉग का, एक सीन दिखा देता हूँ, एक दिखाऊंगा इससे ज़्यादा नहीं वरना फिर मज़ा ख़राब हो जाएगा, देख लो। हाँ तो ट्रैक के लिए चले, इसीलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि पहले टीवी एड प्लान कर रहा था, फिर वो बनाई, उसके बाद ये बाइक्स वाला व्लॉग था वो अभी हाफ हुआ था। असल में ऐसे होता है ना ये व्लॉग मेरे लिए तो इस तरह की चीज़ है कि जब मैं किसी एक प्रोजेक्ट ही होता है एक तरह से, जब मैं किसी एक व्लॉग पे काम कर रहा होता हूँ या सोच रहा होता हूँ तो उन दिनों में जो मेरे दिमाग में किसी दूसरे व्लॉग का कोई आइडिया नहीं आता, ना ही सोच ही नहीं आती किसी दूसरे व्लॉग की, तो एक कम्प्लीट करने के बाद ही कोई दूसरे का कोई आइडिया आता कि यार इस तरह बन सकता है। तो खैर पहले ये टीवी एड जो है वो मैं प्लान कर रहा था, उसके बाद ये बाइक्स वाला व्लॉग वो भी अभी रुका हुआ है, वो भी नेक्स्ट संडे तक होगा, तो उस चक्कर में जो है वो व्लॉग ज़रा स्लो हुए हुए थे यार। खैर एक ही दफ़ा आएंगे एक दो और वो बहुत अच्छा बाइक्स वाला तो ख़ास तौर पे बहुत अच्छा व्लॉग होगा, वो लाजमी देखना। और आज के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक मिनट, आपका भाई पकड़ा नहीं जा रहा।